क्योंकि आज का हमारा पर्पज इकट्ठा होने का ये है कि अभी अभी आज के दिन हमारे एग्जाम खत्म हो रहे कल का आज से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो गया कि अब क्या अब इसका आंसर उनके पास भी नहीं है जो ऑलरेडी अपनी पढ़ाई खत्म कर रहे हैं उनके पास भी नहीं क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी अलग है सोचने का तरीका अलग है उसका वे ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो आज यहाँ पे जो हमने कन्वर्सेशन करनी है वो वन मैन नहीं है वो सबकी है आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है पूछने वाले कोई भी क्वेश्चन पूछना है हमने अपने एक्सपीरियंस पर जो बच्चे अभी भी आगे पढ़ चुके हैं उनके एक्सपीरियंस पर आपको गाइडेंस नोट देना है इसके अंदर से हम कोर्स की चर्चा करेंगे देयर शुड बी नो बीसीए एमसीए बीटेक और एमटेक ओनली एंड ओनली कॉमर्स तो जैसे आज अब जैसे आज खत्म हो गया है तो हमारी जो सिचुएशन है मेंटली बिल्कुल वैसे ट्रैक जैसी हो गई है जहाँ पर बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं एक आंसर नहीं मिल पा रहा करना क्या सही है और कहाँ से सही है तो हमारे पास क्लास में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के और अलग अलग कोर्सेज के बच्चे हैं आप उनसे भी इंटरेक्ट करें वो आपको प्लस और माइनस दोनों बताएंगे जहाँ से आप पढ़ रहे हो कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है फीस स्ट्रक्चर क्या है अफोर्डेबिलिटी क्या है और क्या बेटर बेटर है ठीक है बात समझ में आ गई फर्स्ट चीज हमारी क्लास में जिन बच्चों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है वो कौन कौन खड़े क्या करना है करने मुझे क्लियर है एक तो ये है कि थॉट प्रोसेस क्लियर है आप फिर भी क्यों आए आप इसलिए आए क्योंकि करना कैसे है पता तो है वेरी गुड आपने आईएएस करना मतलब क्लियर है एकदम थैंक यू वेरी मच सीए करना है बिल्कुल मेंटली मेकअप कर लिया है सीए ही करना है कुछ और भी करना है इसके साथ कुछ और नहीं करना इस पे भी बात करेंगे बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई कॉमर्स सब सारे सीए बन जाओगे तो ब्लाइंड कौन बनेगा फिर और कोई जिन्होंने भी क्लियर कर लिया क्या बनना है क्या करना है अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है नहीं और हम अपने आप को देख भी सकते हैं कितने स्मार्ट है ये हर बच्चे की सिचुएशन है आज के दिन अब हम यहाँ पे पेरेंट्स से सपोर्ट चाहते हैं कि पेरेंट हमें मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करें कई जगह पे आके वो फंस जाते हैं कोई ये भी नहीं बता पाते कि हमारे लिए सही है और आपके लिए सही क्या होगा जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा किसी बच्चे ने कहा मुझे एमबीए करना है अब एमबीए सोचना और करना बहुत अच्छा है अब एमबीए कितने तरीके से होती है कहाँ से होती है कॉस्ट क्या है अफोर्डेबिलिटी क्या है पहला क्वेश्चन ये आता है कि वन ऑफ द बेस्ट आईआईएम एमबीए जो कंट्री में मानी जाती है दैट कॉस्ट अराउंड 40 लाख अब हमने अपना माइंड मैप बना के पेरेंट्स को दे दिया कि हमें एमबीए करनी ही करनी है लेकिन हमें वहां भी चेक करना है कि वहां से उतनी अवेलेबिलिटी है या नहीं तो कुछ कोर्सेज हम 3 साल बाद जाके सोचेंगे हमने सोचा तो था पर हम नहीं कर पाए इट शुड बी वेरी क्लियर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे बैठ के जो मेरा प्लान है वो ये है और आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है ताकि आप उन पे क्रॉस लगा सकें और अगर है तो बहुत अच्छी बात है एक तो पहली चीज ये जो आज आपने घर जाके कर लेनी है जो चीज आपने लिस्ट आउट कर रखी है जो चीजें लिस्ट आउट की है कुछ में आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा इंटेंशन आप उसके लिए बने तो है लेकिन शायद कुछ चीजें हमें रोक लेगी वहां से आगे बात सुनो अब पहला क्वेश्चन ये है अपने 12th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं तो जो कॉमन है मैं वो काउंट करा देता हूँ वन ऑफ देम इज अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज कुछ के पास मैथमेटिक्स भी है और आपके पास इंग्लिश है इसके अलावा कुछ बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है और कुछ बच्चों के पास आईटी है ये हमें काम करेंगे अभी डिस्कस करेंगे कैसे हमें हेल्प करेंगे सबसे पहली चीज जो हमें करनी ही करनी है कोई हमें बोले या ना बोले हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है वो है ग्रेजुएशन वो हमें करनी ही है अब क्यों करनी है जैसे आपने अगर सीए का बताया क्यों करनी ग्रेजुएशन करनी क्यों इसका पर्पज क्या है ग्रेजुएशन के बाद हमारे जो वे हैं ओपन होने के और डाइवर्सिफाई होने के वो खुल जाते हैं जैसे अभी कुछ बच्चों ने आंसर दिया मुझे सीए करनी है एक छोटा सा मुझे नेगेटिव नहीं होना चाहिए पर होना पड़ेगा मान लीजिए किसी पॉइंट पे आके नहीं हो पाती
तो क्या हमारे पास प्लान बी है? मान लीजिए हम सी करें, सब तो सी नहीं बनते, अप्लाई सब करते हैं, ट्राई सब करते हैं। हमारा प्लान कब होगा? जब हमारे पास बी को हम साथ में कर रहे हैं। मेरे पास ये क्लियर नहीं हो पाती तो हम क्या करेंगे, हम एमबीए की तरफ जा सकते हैं, हम बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ सीए में अटके रह जाएंगे तो हमारे पास प्लान बंद हो जाएंगे और रास्ते ब्लॉक कर देंगे। 2013 में एक स्टूडेंट पढ़ती थी अनुराधा, जैसे आप कॉन्फिडेंट है, उन्होंने एक ही आंसर दिया, मुझे सीए करना। सुपर कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने और कहीं कुछ भी एडमिशन लिया, डायरेक्ट सीए। एंट्रेंस क्लियर किया, ग्रुप वन में आए, नेगेटिव रिजल्ट आया, थोड़ा मोटिवेट कम हुए और दोबारा किया, तिबारा किया। 2 साल बाद वो फिर आए, मैंने उनसे पूछा मैं भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला जो आज से 2 साल पहले थे वो याद है, पहले भी 12 पास ही थे और आज भी 12 पास। तो हमें इस तरीके से रास्ते बंद नहीं करने। कुछ बच्चों ने कहा मैं आईएएस करूं, आईएएस करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब किस बेस पे आईएएस कर सकते हैं? एटलीस्ट ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, कम से कम, ज्यादा कितने मिल सकते हैं? अगर हम ग्रेजुएशन भी ध्यान ना दें तो हम 3 साल आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन हमारी हुई नहीं, तो क्या हम आईएएस बन पाएंगे? आंसर इज, तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ठीक है? मैंने आपके लिए कुछ वर्ड में फाइल क्रिएट किए ताकि आपको कुछ मैं समझा सकूं। यह है आपका बीकॉम या बीबीए। हम मैंने कहा था यहाँ पे बीसीए की बात नहीं करें, हम यूजी कैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजी, ध्यान रखना है। और हमारे राइट हैंड में है एमकॉम और एमबीए, दैट इज कॉल्ड पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। लेटर ऑन जाएंगे उसमें, पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो इसमें सब्जेक्ट लिखा है कौन सा? आप इसको 11th में भी पढ़ के आए, 12th में पढ़ के आए। 12th में आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ी, जो शायद आपको नीचे नजर आ रही होगी, कंप्लीट हो, तो यू ऑल आर अवेयर ऑफ। आगे क्या होना है, बस इसके लेवल इंक्रीज हो गए, बेसिक फंडामेंटल हुए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखा है बिजनेस लॉ, अभी आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। नेक्स्ट लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप अभी 11th 12th में पढ़े। हिंदी, ये ग्रेजुएशन में लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं तो 1 साल में हिंदी होता है और अगले साल में इंग्लिश होता है। आप कोई भी कोर्स करेंगे उसमें ये कॉमन सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे लास्ट में आपको आईटी भी नजर आ रहा होगा, जैसे कुछ बच्चे भी आईटी का पेपर देके आए, उसी के साथ है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे आके एक फिर क्वेश्चन लग जाता है कि हमारे पास तो 12th में मैथ ही नहीं, तो क्या हम बीकॉम कर पाएंगे? कुछ बच्चों के पास 12th में मैथ नहीं होती, तो क्या ये वो मैथमेटिक्स कर पाएंगे? ये मैथमेटिक्स है बिजनेस मैथमेटिक्स, ना कि जो आप 12th में पढ़ते हैं। तो किसी 12th में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, उससे इसका कोई मतलब नहीं। ऊपर से यहाँ तक जो आपको सेकंड ईयर तक नजर आ रहा है, उसमें कहीं कोई डाउट कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई, ये सारे सब्जेक्ट वही है जो आपने पहले से पढ़ रखे। जो नेक्स्ट है फाइनल ईयर, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो जाती है कि हम एमकॉम की तरफ और एमबीए की तरफ जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो कोर सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंट, ठीक है? अब हमें पहले ब्रांचेस समझ लिया अकाउंटिंग काम कैसे करते हैं। अकाउंटिंग को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो पहली है फाइनेंशियल, जो आपने देखी थी, दूसरी है कंपनी, उसके बाद आप देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, नीचे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। ये सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेज है जो आपको यूजी के अंदर कवर करना है। अकाउंटिंग के जितने भी पार्ट है वो यूजी में कवर करना है। उसकी तरफ जाते हैं नीचे, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है बिजनेस इंग्लिश, इसके साथ हमें कैसे इसको डील करना है वो सीखना। आ जाते हैं उधर एमकॉम, चेक करो उसमें कुछ मैच हो रहा है, फाइनेंशियल भी मैच हो रहा है, कंपटीशन, कॉस्टिंग, एफएल, टैक्सेशन, बिजनेस मेथड में मैच है, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस, बिजनेस जो 12th में पढ़ी है, हमने यहाँ पे भी जैसे बिजनेस कहीं ना कहीं लिखी होगी, बचा है, उसके बाद ये सारे ऑलरेडी डिस्कस है, आईटी, एचआरएम और मार्केटिंग। ये आपको इनको करने के दौरान आप ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं कि आप इनको भी चूज कर सकते हैं। तो जो हम यहाँ चूज करेंगे वो हमें हेल्प करेगा आइदर एचआरएम और मार्केटिंग, लास्ट में है बिजनेस कम्युनिकेशन।
ये तो हम ये हमारे 3 साल का रोडमैप है जो हमें आगे 3 साल और उसके 2 साल बाद पढ़ना है। ज्यादा दूर की नहीं सोचेंगे, सिर्फ 3 साल में जो कवर करेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें बीकॉम तो करनी करनी, ये तो आपने कह दिया, लेकिन क्यों, इसका आंसर क्या है कि बीकॉम करनी क्यों है? जब सब बीकॉम कर रहे हैं तो कुछ हटके करो, नहीं बीकॉम करनी क्यों? किसी के पास इसका जवाब नहीं, नहीं। बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो ट्रेडिशनली चलता है। अगर आप अपनी थर्ड जनरेशन मतलब ग्रैंड फादर तक जाएंगे वहां तक भी ग्रेजुएट ही आपको मिल जाएंगे। और ये ऐसा सिस्टम है जो आगे कहीं भी जो फोर्सिंग फ्यूचर है वहां तक तो दिखेगा, ये लोग करना बंद नहीं करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हम 3 साल बाद करोड़ों की भीड़ से हटके लाखों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, और जैसे और आगे जाते हैं तो लाखों से हजारों में आते हैं। अभी जैसे आप 12th पास करेंगे आप लिस्ट में आएंगे कुछ करोड़ लोगों के, जैसे आप यूजी करेंगे फिर आप आ जाओगे कुछ लाखों में, और जैसे पीजी जाओगे फिर आप आओगे कुछ हजारों। यूजी करने के बाद हमारे पास करियर ऑप्शंस की भरमार होगी, लेकिन जितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी फिर जैसे जैसे ऑप्शन बढ़ते जाएंगे कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। हमें पहले ही माइंड मेकअप करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम बार बार ना बदले नहीं। जैसे हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं हम पाते कि हम कहीं फंस गए, मतलब बहुत टफ कोर्स है और फंस गए, तो मन बार बार भटकता है कि मेरा मित्र है वो तो आराम से मजे में है और मैं फंस गया हूँ या फंस गए, ऐसे मन में विचार करते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स कोर्स होगा वहां पे लोगों की भीड़ उतनी कम नजर आएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे भीड़ कम होती जाएगी, और जहां भीड़ कम होगी वहां रिकॉग्निशन ज्यादा। जैसे 2 बच्चों ने कहा कि हमें सीए करनी है आईएएस करनी है, ये वो चीज है जो सबको पता है क्या होती है और इनकी रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि करना कैसे, इसका सही टाइम क्या होगा, और इनके कोर्स को करने के लिए हमें किस लेवल को अचीव करना होगा। अगर बच्चे ने पहले ही सोच लिया है मुझे आईएएस करना है तो मेंटली वो आज से तैयार हो चुका है आईएएस करने के, तो उसकी हैबिट आईएएस वाली शुरू हो गई। 3 साल बाद तो जाके वो एलिजिबल होगा फॉर्म भरने, बनेगा नहीं बनेगा बात की आगे बात सुनिए। इनके रिजल्ट बहुत कम होते हैं, 1%, 2%, 3%, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि उनमें जुनून होता है करना है, ठीक है। मुझे आपको आज जो गाइड करना है वो ये है, ये सब आपको कोई भी बताएगा, आपके पेरेंट्स बताएंगे, रिलेटिव बताएंगे, कोई भी बताएगा। मेरा मकसद आज ये बताना कि आप इसको इफेक्टिवली कम टाइम में और एफिशिएंटली कैसे करें, जिसमें हम अपना टाइम भी बचाएंगे, कॉस्ट भी बचाएंगे और एफर्ट भी बचाएंगे, कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाएंगे। हमें कुछ इसके साथ ऐसे कोर्स मर्ज करने हैं जो हम एक पढ़ेंगे और दूसरा क्लियर होगा। जैसे हमने एक पढ़ाई की तो एक बार करनी वो लाइफ लॉन्ग होगी। जैसे हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैं थोड़े से ना आपके साथ बीकॉम के ड्रॉबैक भी डिस्कस करता रहता हूं। ड्रॉबैक क्या है, हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे आप 12th में पढ़ते हो आपको मैं कहता हूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपका फोकस बना रहता है। अगर मैं कहता हूं ये टॉपिक उतना रिलेवेंट नहीं है तो आप उसको लिखना भी बंद कर देते हो, ऐसे ही होता ये होता है आपके साथ। अगर मैं ये कहता हूँ पेपर में नहीं आएगा तो आप अगले दिन क्लास में भी नहीं आओगे, ये भी होता ही आपके साथ। जैसे लिखा है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमें पूरा समझ में आ जाना चाहिए इसकी बिगिनिंग से लेके एंड तक। एक बार अगर ये समझ में आ गया आप बीकॉम करें, एमकॉम करें, एमबीए करें या बीबीए करें, डजंट मैटर, क्योंकि आपने इसकी जड़ को समझ लिया। दूसरे लेवल पे हमें लिखा है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट मीन्स कंपनी अकाउंट, चाहे वो बीकॉम में है, एमकॉम में है, कहीं भी है, हमें उसको एक ही बार पढ़ना है। टैक्सेशन, पूरे इंडिया का टैक्स एक ही है, अब आप उसको कहीं भी पढ़ते रहिए वो एक ही रहेगा, तो आपको क्या करना है टैक्सेशन को सीखना। ऐसे नहीं सीखना मेरे बीकॉम में तो सर 4 ही चैप्टर आ रहे तो 4 ही पढ़ाओ। टैक्स का मतलब टैक्स, वो हर जगह कॉमन है, हर फील्ड में कॉमन है, पेपर का लेवल हमें वो सब चीज पता होनी चाहिए। अब 3 साल अगर हम ग्रेजुएशन में लगे रहेंगे तो आज की दुनिया बहुत रैपिड रेट से भाग रही है, 3 साल में सब कुछ खत्म करना है जो कि पॉसिबल नहीं है।
अगर हम ग्रेजुएशन करने लगेंगे तो भी दिक्कत आएगी, फिर हमारा मन कहेगा साथ में कुछ कर ले, साथ में कुछ करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि जब हम ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, देखो आपने ट्वेल्थ के साथ कुछ और तो नहीं किया था, तब भी देखो कितनी दिक्कतें आई, तो बीकॉम करेंगे तो और दिक्कत आएगी, तो दूसरा तो सोचना नहीं, वन एट ए टाइम। अब बीकॉम कहां से करें, बीकॉम कहां से करें, पहला दिमाग में जो सोसाइटी ने भूल चढ़ाया वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल फैक्ट है, दिमाग में बैठा दिया है, स्पेशली दिल्ली वालों की तो बैठा ही हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है ये है तो ठीक है, उधर लाइफ कम्स टू एंड, ऐसे ही होता है। पहली चीज अब बिल्कुल ध्यान से समझनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लीजिए टोटल 256,000 सीटें हैं टोटल, और जो दिल्ली का क्राउड है वो अराउंड 3 करोड़ को टच करने जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं 10 से 12 लाख बच्चे हर साल दिल्ली में पास होते ही, बच्चे हैं 12 लाख, सीट है 256,000। अब मुझे आप बताइए आप क्या करेंगे, सबको एडमिशन मिलेगा क्या, ये जरूरी नहीं, ये फॉल्ट किसका है, फॉल्ट किसका है कि सीट कम है और बच्चे फ्रस्ट्रेट, किसका फॉल्ट है, गवर्नमेंट का, भाई आप सीटें बढ़ाओ, आप लोग मेट्रो में जाते हो देखते मेट्रो भरी हुई, रुक जाते 2 मिनट बाद फिर आ जाएंगे, इसमें नहीं जाते, जब ट्रेन में जाते हो रिजर्वेशन की जैसे आप लोकल ट्रेन के लिए खड़े हुए हो और ट्रेन बिल्कुल भर के आती है, कैपेसिटी 10,000 लोग 1 लाख होते हो, आप सोचते हो अगर मैं अंदर गया या गई तो बाहर निकलने का ऑप्शन है, उस टाइम पे आप नहीं चढ़ सकते उसमें, आप क्या करोगे, जर्नी छोड़ दोगे कि हम भी जा रहे वापस घर चलते हैं, ये सोचोगे नहीं कुछ और रास्ता देखते हैं, और रास्ता क्या होगा भाई, वो ट्रेन तो हाथ से डी यू तो हाथ से गया, अब पैदल कौन जा रहा, पैदल जाओगे चंडीगढ़ जाना पैदल चलो, हाँ जी आप या तो कैब हायर करोगे या और कुछ ट्रेन का बंदोबस्त करो, कुछ भी करोगे ना, जर्नी को तो पूरा करना ही, जर्नी पूरी होगी या नहीं होगी, ट्रेन हाथ में आए या ना, मैं आपको आपके आसपास को कुछ भी कहता हूं, मैं आपको एक लाइन में चीज समझा देता हूं, आपके नंबर 40% आए या 99% आए 100% आए, ऑल आर सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं, और जो 99% वाला करेगा वो 40% वाला भी करेगा, मे बी 40% वालों से ज्यादा अच्छा करेगा, तो परसेंटेज वाइज पे तो आप किसी को डिस्क्रिमिनेट आज के टाइम पे तो नहीं कर सकते, बस जरूरत है दो चीजों की, आपका पैशन और राइट ट्रैक,